ओम शांति। 29 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए संपूर्ण वॉइसलेस बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण वॉइसलेस बनने के लिए आज मन मनाभव स्थिति और धारणा मूर्त बन करके रहेंगे। मन मनाभव स्थिति अर्थात बाप और वर्षे की याद में रहना। बाप की याद तो तभी रह सकती है अगर हमें बाप की पहचान होती है। तो हम ब्राह्मण ही बाप को पहचानते हैं, क्योंकि इस संगम पर जब ब्रह्मा का अंतिम जन्म होता है तो बाप प्रवेश करके हम ब्राह्मणों को रचते हैं। तब हम उस बाप को पहचानते हैं और उनको याद कर सकते हैं। सारी दुनिया तो उस परमात्मा को गॉड फादर ही कहती है, लेकिन ना उसका नाम पता, ना उसका घर पता, ना आने का समय पता है। तो याद करने की जो विधि बताई, ज्ञान और विज्ञान। तो बाबा ने कहा, ज्ञान है स्थूल और विज्ञान है सूक्ष्म। हम ज्ञान स्वरूप बन करके जब विज्ञान में जाते हैं, विज्ञान है शांति धाम, तो वहाँ हम बाप की याद से स्वयं को सत्वप्रधान अर्थात वॉइसलेस बना लेते हैं। और वो निराकार बाप इस समय रूहानी संबंध हमारे साथ निभा रहा है। पिता के संबंध से वो हमारी परवरिश करता है, हमें विश्व का मालिक बनाता है। और इस समय ही हम ऐसे बाप से विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं। टीचर बन करके वो हमें इस रूहानी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी में राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग की नॉलेज से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। ये नॉलेज है गीता की। ये गीता ज्ञान इस संगम पर ही सुनाया जाता है। इस पढ़ाई को मिस करने से हम भविष्य पद को मिस कर देंगे। इसी समय बाबा हमें रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। और इसी तरह वो सतगुरु बन करके हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, हमें पावन बना करके ले जाते हैं नई दुनिया में। तो ये हमें दुनिया के जो गुरु होते हैं वो तो केवल शांति ही देते हैं, हमारा सतगुरु तो हमें विश्व का मालिक बनाने की सदगति करते हैं। तो ऐसे सतगुरु की याद में रहना है। याद में रहने के साथ साथ वर्षे को याद करना, वर्षे को याद करना अर्थात चक्र को बुद्धि में फिराना। तो जब हम चक्र को बुद्धि में फिराते हैं तब हम विष्णु बन जाते हैं। आत्मा के अंदर विष का अणु भी नहीं रहता है। तो आज ये ज्ञान का चिंतन, चक्र का चिंतन करेंगे कि आदि में हम सभी सुखी थे, साहूकार थे, राजा थे, संपूर्ण वॉइसलेस थे, स्वच्छ सत्वप्रधान कैरेक्टर थे, हम विश्व के मालिक थे, आत्मा और शरीर दोनों ही सच्चा सोना थे, 100% आत्मा प्योर थी। जैसे ही मध्यकाल में आते हैं तो हमारे जो है कैरेक्टर तमो प्रधान हो जाते हैं और ये पूरी सृष्टि वैशाल्य सृष्टि बन जाती है, अर्थात रावण का राज्य शुरू हो जाता है। अंत में बाप आकर के वॉइसलेस वर्ल्ड की स्थापना करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमारे जन्मों का, चक्र का, पवित्रता की धारणा कराते हैं। तब हम विश्व का मालिक बन जाते हैं, अर्थात बाप ही हमें देव पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो इसके लिए आज हमें धारणा मूर्त बनकर के रहना है, संपूर्ण वॉइसलेस बनने का लक्ष्य स्मृति में रखना है, अपना जो टाइटल है मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ वो बुद्धि में रखना है, निश्चय बुद्धि बनकर के पढ़ाई पढ़नी है। जो भी मान शान हमें सेवा से मिलता है उसका कच्चा फल नहीं खाना है, सदा ही प्रसन्नचित रहना है। दुख की लहर से मुक्त होने के लिए परमात्म प्यार के झूले में सदा ही झूलते रहना है। अब जब हम सेवा करते हैं, जब जिज्ञासु मिलते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, इतने दिन आप नहीं आए तो क्या बाप को याद किया, चक्र को याद किया? तो इस तरह अल्प को
और बे को याद करने के लिए अपनी बुद्धि को स्वच्छ बना करके रखना है। ये धारणाएं जब होंगी तब ही हम विश्व का मालिक बन सकेंगे। ओम शांति।